हेलो गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों। अभी इवनिंग का टाइम है, अभी शाम के 6 बज रहे होंगे दोस्तों। सो आपके लिए न्यू ब्लॉग लेके मैं हाजिर हूँ दोस्तों। तो मैं अभी नाइट के डिनर का तैयारी करने वाली हूँ दोस्तों। तो मैं नाइट के डिनर में कैसा बनाने वाली हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दोस्तों। तो मैं आज सोची हूँ कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट, आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा, आप बहुत ज़्यादा टेस्टी आलू के पराठे एंड टमाटर की चटनी बनाने वाली हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पे दोस्तों, तो देख सकते हैं आप लोग कि मैं आलू कट करके बॉयल करने के लिए चढ़ाने जा रही हूँ दोस्तों। तो अच्छे तरह से इसको प्रेस कर लियो धो के, एंड अब मैं इसको चढ़ा दूंगी गैस पे। और उसके बाद में जो भी मसाला लगेगा आलू पराठा बनाने के लिए, ओनियन वगैरह सब कट करूंगी दोस्तों। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखिए मैं कैसे क्या करती हूँ दोस्तों। देख सकते हैं मेरे यहाँ पे आलू हो चुकी है, और ये गैस पे मैं टमाटर पकने के लिए डाल दे रही हूँ। इस तरह से मुझे टमाटर की चटनी बनानी है। गैस की फ्लेम को मैं तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे टमाटर को पकने के लिए ऐसे रख दी हूँ। मैं टमाटर की चटनी बनाऊंगी यहाँ पे, और यहाँ पे मेरी सारी चीज़ रेडी हो चुकी है। मैं ऑनियन वगैरह सब कट कर ली हूँ, देख सकते हैं आप। ये मैं टमाटर में डालूंगी ऐसे कट करके, ये सब पूरी में डालने के लिए, यानी कि आलू के पराठे बनाऊंगी उसके मसाले के लिए। सब पूरा प्रिपरेशन हो चुकी है। यहाँ पे मेरे आलू भी बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इसको खोल के देखती हूँ कि मेरे आलू अच्छी तरह से बॉईल हुए हैं या नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे मेरी आलू भी बॉईल होके रेडी हो चुकी है अब मैं इसको छिलका उतार लूँगी। एंड मेरे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे टमाटर पक रहे हैं, अभी अच्छी तरह से पका लेंगे, उसके बाद चटनी बनाऊँगी दोस्तों। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखिए मैं क्या सब कैसे। मेरा टमाटर ऑलमोस्ट पक चुकी है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब इसके अच्छी तरह से छिलका वगैरह सब निकाल देंगे, और इसमें मैं एक दो मिर्चाई भी पका ली हूँ इसी के साथ। और इसके बाद मैं अभी इसकी बनाने वाली हूँ तीखी वाली चटनी। तो देखिए मैं कैसे तीखी वाली चटनी बनाती हूँ दोस्तों। तो बने रही मेरे ब्लॉग में दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं चटनी बनाने के लिए अपना कढ़ाई डाल चुकी हूँ, और ये टमाटर को अच्छी तरह से छिलका उतार के उसके बाद इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर ली हूँ दोस्तों। अब इसमें डालूंगी थोड़े से ऑयल, थोड़ी सी चटनी है तो थोड़े से ऑयल डालूंगी। इतना ऑयल ऐड की हूँ, दो तीन टमाटर थे उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा। अभी टमाटर की चटनी बनाने वाली हूँ दोस्तों। देख सकते हैं मैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, और इसमें अब मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ी सी ग्रीन चिली, थोड़ी सी बारीक कटे हुए लहसुन, जब तक कि इसका कलर जब तक चेंज नहीं हो जाएगा तब तक इसको भूनना है। तब तक ही पका दोस्तों, लहसुन का कलर चेंज हो गया है,
चटनी बनाने का सबसे बड़ा फंडा यही है कि लहसुन का कलर चेंज होना चाहिए और लहसुन में से एकदम अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए। उसके बाद बीच में थोड़े से प्याज ऐड करूंगी दोस्तों, चटनी के अकॉर्डिंग कितना मेरा चटनी है उसके हिसाब से। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूंगी और इसको भी थोड़ा सा थोड़ी देर तक पकने दूंगी ताकि कच्चापन चला जाए और टेस्ट आए चटनी में मस्त वाला। तो प्याज का भी कलर चेंज हो चुका है ऐसे ही कलर पे। उसके बाद टमाटर जो मैं इसके अंदर रख रही हूँ वो भी ऐड कर दूंगी इसमें। इसमें ऐड करना है गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे दोस्तों। मैं तो टमाटर की सूखी चटनी ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगती है ये चटनी। अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी स्वाद के अकॉर्डिंग, देख सकते हैं दोस्तों। और थोड़ी सी इसमें मैं पानी भी ऐड कर दूँगी हल्का सा। अब गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर देंगे ताकि जल्दी से मेरी चटनी बनकर रेडी होगा। इसको अच्छे से थोड़ी देर तक पकने देंगे। ये थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा हो देखो, हमसे अच्छे से छिलके छिलका नहीं उतरा इस टमाटर का, इसलिए ऐसे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। लेकिन बट चटनी इसकी बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। ये थोड़ा ग्रीन वाला टमाटर था इसलिए इसका कलर ऐसा है, अगर रेड वाला पूरा टमाटर का बनाते तो एकदम कलर लाल होता कोई, बट कोई नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मुझे बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसको मैं किसी भी चीज़ के साथ खा सकती हूँ। मीठी वाली चटनी, तीखी वाली चटनी, टमाटर का मुझे बहुत पसंद, सबसे ज़्यादा तीखी वाली पसंद है, मेरी फेवरेट है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। इसमें सबसे बड़ा फंडा दोस्तों लहसुन का काम है। इसमें गार्ली जो होता है ना उसको जितना अच्छा से कलर चेंज होगा, जितना गोल्डन कलर होगा और उसमें थोड़ी थोड़ी स्मेल आएगी उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है दोस्तों। को थोड़े पकने देते हैं इसको। देख सकते हैं यहाँ पे मैं आलू पराठे के लिए जो मसाला रेडी करने वाली हूँ उसके इसका ये मसाला गूंजने के लिए डाल रखी हूँ। और ये रहा मेरा आलू, मैं इसको मैश कर दी हूँ अच्छे से, इसमें इसी में ही मैं नमक ऐड करके मैश कर दी हूँ। और ये सब तो मसाला है, थोड़े बहुत मिर्ची हल्दी ये सब, थोड़े बहुत गरम मसाला वगैरह भी मैं ऐड की हूँ। इसमें सबसे बड़ा मेन जो मैं डालती हूँ जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है वो है चिकन मसाला, इसमें मैं ऐड करती हूँ जिससे बहुत अच्छा स्मेल आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों। मैं आलू जितना है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें अब चिकन मसाला ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी इसमें से, जब तक कि खुशबू ना आने लगे तब तक इसको फ्राई करना है, उसके बाद मैं इसमें आलू ऐड करूँगी दोस्तों। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखिए मैं कैसे क्या बनाती हूँ दोस्तों। मेरी चटनी तो बन चुकी है, आप लोग देखे ही बहुत टेस्टी है दोस्तों। मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी ताकि मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो सके दोस्तों। देख सकती है मेरा यहाँ पे आलू पराठा की मसाला रेडी हो चुकी है। अब मैं बारी है आटा गूंदने की, अब मैं आटा गूंदने चलती हूँ दोस्तों। मेरा यहाँ पे आटा गूंद चुका है, सारा आलू पराठा की तैयारी हो चुकी है मेरी। यहाँ पे आलू भी अच्छी तरह से मतलब मैं इसको फ्राई कर चुकी हूँ और मेरी चटनी भी बनके रेडी हो चुकी है दोस्तों। तो मैं रुकी एक सेकंड, मैं आपको चटनी भी दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत टेस्टी चटनी बनता है, खाइएगा। तो मेरे को तो देख के मुँह में पानी आ जाता है जब मैं चटनी बनाती हूँ। तो दोस्तों मैं अभी आलू पराठा थोड़ी देर में बनाऊँगी, जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दोस्तों। तो बने रहिए मेरे। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे हस्बैंड आ गए हैं ड्यूटी से, जैसे कि मैं आप लोगों को बोली थी कि लाइव वगैरह एंड करके तब मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30 दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आलू के पराठे बना रही हूँ। देख सकते हैं आम कैसे बेल रही हूँ अच्छा से, मेरे को बेलने भी नहीं आता है दोस्तों। टेर बाकुल कैसे कैसे जैसे होता है मैं बेल देती हूँ। ये आटा अच्छा नहीं है, मतलब इस आटा में लस नहीं है, ऐसा होता है ना कि नया आटा होता है वही है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आलू के पराठे बना रही हूँ, देख सकते हैं वैसे बहुत टेस्टी बनी है दोस्तों। मैं वॉइस ऊपर से ऐड कर रही हूँ, मैं ऐसे खाओ।
दोस्तों देख सकते हैं, आ जाइए फटाफट आप लोग भी डिनर करने। मैं यहाँ पे नाइट का डिनर मेरा बन के ऑलमोस्ट डन है दोस्तों। हमें और मेरे हस्बैंड बैठे हुए खाने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आलू के पराठे, टमाटर की चटनी एंड ऑनियन यानी प्याज है दोस्तों। तो ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।